प्रोफेशनल मतलब टेंटेटिव आंसर किए आते हैं, तो वो देख के लग रहा था कि अच्छा स्कोर है, मतलब 720 नहीं लेकिन शायद 700 से ऊपर ऐसा कुछ, लेकिन मतलब विश्वास तभी हुआ जब यू नो 1 नवंबर की रात को स्कोर कार्ड देखा। सर सोचा नहीं था कभी भी, 700+ का टारगेट रख के चले थे एग्जाम देने, एग्जाम के बाद भी कंफर्म नहीं था कि 720 आएंगे, आंसर की देखने के बाद लगा आ सकते आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का तो घटिया को लेकर थोड़ी जाएंगे आपके देखो इन कुछ सुन नहीं इस बार जो परसेंटेज आधारित मूल्यांकन जो हुआ है जिसमें आप तीनों की फर्स्ट रैंक आई है, इसको आप सही मानते हैं या क्या कहना आपका? सिस्टम ये है टाइम देकर क्रिएट कर रही है, लेकिन अगर सेम मार्क्स सेम सारे सब्जेक्ट में सेम है तो रैंक इस साल से सेम है, लेकिन काउंसलिंग रैंक में फिर भी फर्क है, तो कॉलेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो पाएगी इससे। आकाश की भूमिका के बारे में क्या विचार हैं आपके? आकाश का काफ़ी बड़ा रोल था, टीचर्स बहुत अच्छे थे, फैकल्टीज एंड पूरे टाइम सपोर्ट था आकाश का, जो टेस्ट सीरीज थी सारा कुछ काफ़ी सपोर्ट था आकाश का, बहुत बड़ा रोल। हाय, मैं आरजे मयूर हूँ माय एफएम से, 94.3 माय एफएम से। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयां, और सक्सेस पार्टी से हम लोग बहुत देखते हैं लेकिन जितना जोश यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ना उतना कहीं नहीं देखने को मिलता है। और आप अभी जो है मतलब अपने आप में स्टार्स हैं आज की इस इवेंट के, सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय, क्या लग रहा है अंदर? लोग सेल्फीज ले रहे हैं आपके साथ, इससे पहले ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। इससे पहले मतलब मैं पर्सनली फोटो उतने लेता नहीं हूँ, मतलब अगर कभी दोस्तों के साथ बाहर गया तो एक बार मतलब एक ग्रुप फोटो बनता है वो तो है, लेकिन उसके अलावा नहीं, तो काफी नया एक्सपीरियंस है, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो मतलब जब तक है मजे लो मजे। ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती होगी यार, टॉपर्स के साथ इतना कमाल का मतलब माहौल उनको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपसे पूछ लेते हैं, 700 पार तो कई स्टूडेंट कर लेते हैं लेकिन 20 पूरे के पूरे आ पाना, ये जो डिफरेंस होता है ये कैसे मैनेज किया, ये क्या है USP टिप्स कुछ देना चाहिए? मैं बताऊँगा नहीं किसी को, मतलब देखिए 716 आते थे ठीक है, लेकिन इस बार 720 में से पूरा परफेक्शन, वो भी परफेक्शन की हैट्रिक आकाश ने लगाई है, तो परफेक्शन का राज क्या है प्लीज बताएं। 700+ जिस के आ रहे हैं जी का लेवल सेम है, 720 का अगर लक के अलावा कुछ फैक्टर है तो आपने कितनी प्रैक्टिस करी है जी, पेपर में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, आप कितने इजीली आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो उस पेपर के टाइम पे, बताना नहीं चाह रहे लेकिन मैं पूछ लूंगा, डोंट वरी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए, बता दीजिए डे रूटीन क्या रहता है। जिस बंदे के पास टाइम टेबल नहीं है उसी से पूछो। बट हाँ मतलब ऐसा फिक्स्ड टाइम टेबल तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं सुबह सबसे अच्छे सबसे एफिशिएंसी के साथ पढ़ता हूँ, तो जितना मैं मेरा एक्चुअली डेली टारगेट होता था कि आज ये लेसन करना है या इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने,
वो कैसे करना है, मतलब मैंने ऐसा आर टू आर मिनट टू मिनट प्लान नहीं किया था। जितना मेरे क्लासेस मतलब कोचिंग के क्लासेस आफ्टरनून में होते थे तो जितना होता था मैं अपना काम सुबह खत्म कर लेता था क्योंकि मैं तभी सबसे ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, और फिर क्लासेस के बाद जो भी थोड़ा बहुत बाकी बचता था वो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये आई वेक अप एट दिस टाइम, आई स्टडी एट दिस टाइम, आई स्लीप एट दिस टाइम, आई टेक अ ब्रेक एट दिस टाइम, मेरा ऐसा आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन्ड। तो कमिंग है कि मैं एक टाइम टेबल को मतलब ठीक से फॉलो नहीं कर सकता। सो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क अराउंड जो मैंने खुद के मतलब खुद के लिमिटेशंस को सूट करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज की थी वो ये थी कि मैं इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल मैं टारगेट पे फोकस। सर परफेक्शन की हैट्रिक के लिए बहुत सारी आपको बधाई। धन्यवाद सर। सर जो कभी नहीं हुआ था वो अब कर दिखाया है, लेकिन अब क्या आपको ऐसा लगता है जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है कि अगली बार तीन तो आनी चाहिए, तीन के पांच कैसे होने हैं? जिम्मेदारी कितनी बढ़ चुकी है आपकी? एक्चुअली ये जो आयोजन है ये केवल ऑल इंडिया रैंक वन के 8 बच्चे हैं, 100 में 42 है। भारत के 17 राज्यों के टॉपर्स भी आकाश से ही हाँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो आपने पूछा है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि रिजल्ट हिस्टोरिकल है, 720 में 720 अपने आप